पोट दिसतंय थोडं. जयसवाल और आ गई हूँ मैं पार्लर में एज यूजुअल रोज की तरह. और मैंने क्या सोचा है, मैं सोच रही हूँ कि मैं ऑनलाइन क्लासेस प्रॉपरली चालू करूँ ब्यूटी का. तो आज फर्स्ट वीडियो शूट करूँगी मैं और उस तरह से प्रॉपरली मैंने दो तीन बार चालू किया, लेकिन क्या हुआ कि कुछ मतलब सोचती रह गई, इम्प्लीमेंट कर नहीं पाई. दो तीन वीडियो बनाई और फिर वापस स्टॉप हो गया. तो मैंने सोचा है चलो नई क्लास वाली आई है तो उसको जैसे जैसे मैं सिखाती जाऊंगी वैसे वैसे मैं वीडियो शूट करती जाऊंगी, तो आप लोग भी सीख लोगे, है ना. तो इसीलिए मैंने आज का वीडियो स्टार्ट किया है. तो उसकी वजह से अतिथि मुझे उसके दुबई के वीडियोस भेज नहीं पा रही क्योंकि उसके पास वो बहुत बिजी है, उसके पास टाइम नहीं है. तो एक वीडियो तो मैंने डाला है, अगर आप लोगों ने ना देखा हो तो देख लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. और बस सुबह हो गई है, हैप्पी हैप्पी गुड गुड. और आज है हैप्पी वैलेंटाइन डे, तो आप सभी को वैलेंटाइन डे की शुभकामना. और आज है मेरी मम्मी का बर्थडे, तो आप लोग मम्मी को भी विश करना है. वैलेंटाइन डे के दिन मम्मी का बर्थडे है तो आप लोग मम्मी को भी विश करना, मम्मी खुश हो जाएगी आपकी सारी विश पाके. तो मम्मी को ना खुद को याद नहीं था कि उनका बर्थडे है. मैंने फोन किया तो मैंने बोला नहीं साड़ी वाड़ी पहनी के नहीं, तो बोलती है नहीं मुझे तो याद ही नहीं था. मम्मी तो मम्मी है, अब क्या करे, कोई ना. मैं बोली चलो ठीक है, मैंने हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे बोल दिया मम्मी को. और बस मम्मी ने सुबह फाफड़ा जलेबी खाया, वो बताया मुझे. और यही मैंने सोचा वीडियो की शुरुआत तो करते हैं. अगर सॉरी अतिथि वीडियो ना भेजेगी तो मुझे तो अपने वीडियोस डालने हैं, तो इसलिए मैंने शुरू कर लिया. सुबह मैं शॉप पे गई, वहां से मैंने वेफर लिया, चना दाल ली, मूंग दाल ली, चना सिंग लिया. एक्चुअली मैं कुरमुरा लेने गई थी पर मुझे मिला नहीं, तो शाम को मैं दूसरी जगह से कुरमुरा ले लूंगी, मुझे हेयर कलर करना है. एक ही बार के वॉश में ना हेयर कलर का वाट लग जाए, बैंड बच जाती है. तो देखिए आज मैं पहले फर्स्ट थ्रेडिंग से स्टार्ट करूंगी ऑनलाइन ब्यूटी कोर्स का वीडियो. तो आप लोग ना देखते हो ना तो इसके साथ साथ मेरे वो वीडियो भी आएंगे, तो आप लोग जरूर से देखिएगा. ओके तो चलिए अभी मैं खाऊंगी एक बनाना. बनाना भी महंगे हो गए हैं, 20 रुपए के 6 मिलते थे, अब मिल रहे हैं 20 रुपए, 25 रुपए के, 25 रुपीज के 6. तो कल मैं 6 लेके आई थी, 3 मैंने कल खाए, अब मैं 1-2 अभी खाऊंगी. शाम तक तो मेरा खाना पीना चलता ही रहता है क्योंकि ना और काम कुछ ना हो ना तो भूख ही लगती रहती है, टाइम नहीं जाता है, तो कुछ ना कुछ खाना, और शरीर है तो भूख तो लगेगी ही ना. तो चलिए मैं अपना बनाना एंजॉय करती हूँ और फिर मिलूंगी आपको थोड़ी देर में. अभी तो बनाना भी देखिए कैसे पिद्दी पिद्दी आने लगे हैं. ये देखिए कितना पतला वाला बनाना है, ऐसे पिद्दी पिद्दी बनाने आने लगे हैं कि उसमें कोई टेस्ट नहीं, ना मिठास है, नेचुरल कुछ पकाया हुआ नहीं है, चूना लगा के पकाते हैं. तो जो है वो खाना पड़ेगा, आप क्या करें. सीजनल फ्रूट्स ना खाने चाहिए. और मैं डर रही थी कि शुगर बढ़ जाएगी. अतिथि ने बोला मम्मी इसमें नेचुरल, इससे शुगर नहीं बढ़ती है, तो आप बिंदास खाया करो, मतलब लिमिट में खाया करो, पर खाया करो. मैं
ऑफिस अभी बज गया है 12:30 और छोटी मोटी भूख लगी है खाने को। मैं 1:30 बजे खाना खाऊंगी, तभी मैं खा रही हूँ मूंग दाल। कितना मन को मारने का, ले लिया 70 रुपीज का सामान ले लिया, मूंग दाल ली, चना दाल ली और वेफर ली और चना सिंग ली। मस्त है, यम्मी। आप लोग मुझे हमेशा पूछते रहते हो मैं कौन सा काजल यूज़ करती हूँ, कमेंट्स बहुत सारे आते हैं। तो मैं ये हिमालय का काजल यूज़ करती हूँ, ये नया पैक मैंने अभी आज खोला है, तो मैंने सोचा आपको साथ साथ में दिखा भी दूँ कि ये वाला काजल मैं यूज़ करती हूँ। और हमेशा ढेर सारा काजल लगाती हूँ मैं आँखों में, देखिए मैंने इससे ही ये ऊपर किया है, मुझे पता है बराबर नहीं आया है, पॉइंटेड है तो अच्छे से। अच्छे से लगा ली मैंने। अब सब लोग बोलेंगे इतना सारा काजल क्यों लगाया है, इतना सारा काजल क्यों लगाया है, पर मैं लगाती हूँ काजल बहुत ज्यादा। तो ये है मेरा काजल। ये काजल ना बहुत अच्छा है, मतलब जरा भी जलन नहीं होती है हिमालय का, और बिल्कुल भी आपको ना आंखों से पानी नहीं आता है, बिल्कुल भी जलन नहीं होती है। मैं ये वाला यूज करती हूँ, आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। ओके, और हाँ, लास्ट व्लॉग में मैंने फेस हाइड्रेटर बताया था आपको, तो उसका आपको कैसा लगा? अगर आपको पसंद आए तो ये जरूर से लेना, क्योंकि मैं डेली यूज करती हूँ और मेरे फेस की चमक आप देख सकते हो। तो अगर अच्छा लगे तो जरूर से लेना, लोगे तभी पता चलेगा कि इसका इफेक्ट कितना अच्छा आता है। स्किन टॉनिक की तरह पूरा फेस को ना एकदम से टाइट कर देता है और फेस पे पूरी तरह से इस तरह से झाइयां वगैरह कुछ भी नहीं रहती, एकदम मस्त क्लीन हो जाती है स्किन। तो मैं वेट कर रही हूँ मेरे स्टूडेंट के लिए, वो आएगी तो फिर आगे का वीडियो शूट करना है, ऑनलाइन ब्यूटी क्लासेस का। आज फर्स्ट डे है ना, तो आज फर्स्ट डे आपको बताऊंगी कि फर्स्ट डे में क्या शुरुआत करवाती हूँ अपने स्टूडेंट से। ओके, चलिए ये है मेरा खजाना मेकअप का, इसको भी रख देते हैं। ये वाला ड्रेस ना मेरा बहुत पुराना हो गया है, पर आज बहुत दिनों पे पहना मैंने, और यार मैं ड्रेसेस लेना चाहती हूँ पर पैसा नहीं खर्च करना मुझे। ऐसे ही विंडो शॉपिंग करते हुए मुझे एक ड्रेस पसंद आ गया था, तो दूसरे दिन मैं उसको देखने के लिए गई कि पूछते हैं चलो कितने में मिल रहा है, तो 2700 का था, और इतना भी कुछ अच्छा नहीं था कि 2700 उसमें दिया जाए, तो मैंने उसको स्किप कर दिया। फिर मुझे एक जगह जाना है, तो उसके लिए मैंने अपने घर में से ही एक ड्रेस और सारा बैंगल्स वगैरह अरेंज करके रख दिया है कि मैं उसी से चला लूँगी। पर अभी मैं सोच रही थी वीडियो बनाने के लिए मुझे अच्छे नए नए ड्रेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्या करूँ। पर वीडियो भी बनाना है, ड्रेस भी लेना है, पर पैसा नहीं खर्च करना है, तो कैसे चलेगा। अगर ये जेसीपी ना होता तो ये काम करने में इंसान को कितना टाइम लगता था। एक मशीन कितना फटाफट काम कर सकता है, देखो। है ना, वही काम करने में इंसान को बहुत टाइम लग जाता था। मैं कर रही हूँ वेट मेरी क्लास के स्टूडेंट का। काजल से आईलाइनर लगा के अच्छा लग रहा है।
कोट दिखता है थोड़ा। तो गाइस मैं आपको ऑनलाइन ब्यूटी कोर्स में थ्रेडिंग कैसे करते हैं वो सिखाती हूँ। आज फर्स्ट डे है, तो फर्स्ट डे आप लोग ने पहले भी मेरे वीडियोस में देखा होगा, लेकिन आज फर्स्ट डे तो आप देख लीजिए। तो आपको ऐसा 40 नंबर का धागा लेना है और तब में इस तरह से लेना है, ये हाथ अपनी साइड रखना है, इसको फोल्ड करना है और इसको भी ऐसे फोल्ड करना है। आपको ऐसा टी का शेप बरोबर आना चाहिए, तीनों बैलेंस सेम होना चाहिए। इसको डाउन करो और थोड़ी दिन इस तरह से प्रैक्टिस करो, थोड़े दिन क्या, थोड़े मिनट इस तरह से आप करो। और उसके बाद ये यहाँ रख के इस तरह से पूरा सिर्फ थ्रेडिंग का प्रैक्टिस करो। अभी आपको पहले दिन है, बाल बाल निकालने नहीं है। आईब्रो अगर आपका थ्रेडिंग प्रॉपर हो गया ना तो आईब्रोज आपकी प्रॉपर आएगी। और लास्ट फिंगर को बाहर रखना है, तीन चार फिंगर ही अंदर डालनी है और ये धागा इधर रखना है पास में। ओके, तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करो और फिर मुझे कमेंट्स करना। कल मिलेंगे, नया कुछ लेके आऊँगी। तो जब तीन चार दिन आप लोग थ्रेडिंग का प्रैक्टिस करो, उसके बाद आईब्रो कैसे करनी थी वो मैं सिखाऊंगी। ओके स्टूडेंट ने फर्स्ट डे इतना किया है, तो इस तरह से आप लोग भी इसको देख के मेहंदी की डिज़ाइन भी, ब्यूटी के साथ साथ मेहंदी भी सीख सकते हो। तो फर्स्ट डे में थ्रेडिंग और ये एक मेहंदी का डिज़ाइन इतना कंप्लीट हुआ है, आधा बाकी है, आउटलाइन लिया है। आपको जो भी कुछ ना समझे ना आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से पूछ लीजिएगा। ओके, और मैं तो वेट ही करती रहती हूँ आप लोगों की कमेंट का, मुझे बात करना बहुत अच्छा लगता है, उसकी वजह से मैं वेट करती रहती हूँ आप लोग कब मुझे कमेंट्स करोगे और कब मैं उसका रिप्लाई दूँ। तो मैं है ना बिल्कुल भी डिजिटल नहीं हूँ, ये जय लेके आए थे कितने दिन से मैंने यूज़ नहीं किया है, तो आज देखती हूँ इसको ओपन करके फोड़ना। क्या बोलता, ईयरबड आपकी इंडियन यूट्यूबर ज्योत्सना जयसवाल ना एटीएम में से ईयरफोन, ओके ना एटीएम से पैसा निकालना आता है ना फिर भी मैंने धीरे धीरे सीख लिया है थोड़ा 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 करके। तो इसको आज यूज़ करना शुरू करेंगे, क्योंकि मैं वो स्मार्ट वॉच पहनती हूँ हाथ में और रास्ते में ही अतिथि का मॉर्निंग में फ़ोन आता और फिर मुझे वो फ़ोन को ऐसे ऐसे करके बात करना पड़ता है, लोग सब देखते हैं तो ये कानों में लगा रहेगा ना, तो अच्छा बड़ी अतिथि था। पर मैं ना थोड़ी सी विंडोक हूँ, ट्यूबलाइट हूँ, थोड़ी देर के बाद मुझे समझ में आता है। दो तीन बार तो वो स्टूडेंट आई है उससे थोड़ा सा मैं जानकारी ले लेती हूँ इस मामले में। क्लास वाली स्टूडेंट गई और अब मैं बनाने जा रही हूँ चाय। तो आप लोग थ्रेडिंग की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और धागा ना हो आपके पास 40 नंबर का तो कोई बात नहीं, घर के सादे धागे से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, तो चलिए इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करती हूँ, और फिर वीडियोज़ ना बहुत बड़े हो जाते हैं तो अपलोड होने में ना टाइम लगता है। तो कल मिलते हैं एक नए इसके साथ। मैं ना पहले मुझे लगा क्लास की स्टूडेंट आएगी कि नहीं, मैं आपको थ्रेडिंग बता पाऊंगी कि नहीं, मेरा प्लान कैंसिल होता है कि अभी तो शुरू इम्प्लीमेंट होने से पहले ही मेरा प्लान कैंसिल हो जाएगा क्या, मुझे ऐसा लगा। लेकिन थैंक गॉड वो आ गई और फिर मैं हमने वीडियो को कंटिन्यू किया। तो होता रहता है ऐसा कुछ कुछ, और बस कल मिलते हैं, कल आपको मैं सिखाऊंगी क्लीन अप। ओके, तो चलिए बाय बाय, देखते हैं, चांस मिला तो ज़रूर बताऊंगी, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, कभी और दिन में आपको ऑनलाइन ब्यूटी कोर्स तो चालू ही रहेगा, कुछ ना कुछ तो मैं ज़रूर बताऊंगी आपको। ओके, तो फ्री कोर्स शुरू हो गया है, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, ताकि आपको नया नया ब्यूटी के मेकअप्स वगैरह सब कुछ सीखने को मिले विथ माई ब्लॉग्स। ओके, खाओ पियो मज़े करो।